हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनवाइड एकेडमी वंस अगेन। सबसे पहले तो पेमेंट पेज ही आ गया। खैर, पेमेंट पेज इसलिए है कि ताकि आप चाहें तो पेमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं। इनिशियल में आप देख सकते हैं बिहार स्पेशल का हम लोग जो एक एक नोट्स बना था पिछली बार, उसके साथ कुछ एडिटिव है, उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये हो गया पेमेंट पेज। यहाँ पे आप चाहें तो किसी भी एप्लीकेशन से पे कर सकते हैं, या तो QR कोड स्कैन करके या फिर UPI ID। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर, बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट अनवाइड एकेडमी सर्च करके और अपने चैनल को, इस चैनल को ज्वाइन कर ही लीजिएगा। ऊपर पिंड मैसेज में पेमेंट के लिंक आपको दिए हुए हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स। सबसे पहले आपने पहले जब इनिशियल में अगर किसी ने बाय किया होगा बिहार स्पेशल की, जो हम लोगों ने एक ट्रिक आप कह लीजिए या फिर शॉर्टकट में बहुत अच्छी तरीके से, ताकि जल्दी से बिहार स्पेशल, बिहार के बारे में जो ज्योग्राफी थी मेनली सेंसस था उसके बारे में जल्दी याद हो जाए, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और आप लोग के सहयोग से लगभग इसके कितने कॉपीज़ बिके हैं, तो 877 कॉपीज़ बिके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसके लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक यू आप सभी को। एनीवे, इसमें जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मैप के जरिए हम लोगों ने बिहार के ज्योग्राफिकल जितने भी इंडिकेशन थे उसको पढ़ा था। इवन इसमें जैसे कि जो बिहार इंट्रोडक्शन है, फाउंडेशन हो गए, पॉलिटिकल व्यू हो गया, है ना, पॉपुलेशन के बारे में बात हो गई, सेंसस हो गया, देन यहाँ पे जो मिनरल्स हो गए, एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ओके, इवन जो लेक्स हो गए एक्सेट्रा एंड ऑल। तो अब इसके अलावा क्या ऐड हो रहा है, तो इसके अलावा ऐड हो रहा है अपना हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। सिर्फ इसमें आपको क्या नहीं दिया जाएगा, तो पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है वो करंट अफेयर से कवर अप होता है और पॉलिटी जो है वो रेगुलर जो हम लोग स्टडी करते हैं उसमें कवर अप होता है, तो उसको इसमें नहीं कवर किया गया है, सिंपल एज इट इज़। बट जो कॉन्टेंट है वो अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 500 से नीचे तो नहीं मिलने वाला, 500, यस, जो मैंने बोला 500, बिकॉज ऐसे मार्केट में बुक्स पड़े हुए हैं सिंपल बिहार स्पेशल के नाम पे, जो कि पढ़ने में उतना मज़ेदार भी नहीं होते हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा दिखता है, पेजेस कम दिखेंगे, कंटेंट ज़्यादा दिखेगा और उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, बट इसको इंटरेस्टिंग वे में बनाया गया है। अब सोचिए इस एक पेज में टोटल सेंसस को और कहाँ पे सेंसस में कौन बढ़ा घटा है उस बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, है ना। जैसे कि ट्रिक वाला, जैसे इस ट्रिक की बात करें तो बिग नेम बिग लिंग, छोटा लिंग कैसा है, तो मूंग जैसा, मुंगेर में कैसा है तो लिंग अनुपात कम है, है ना। यहाँ पर देखें तो मुंगेर लोएस्ट सेक्स रेशियो, एल का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे LT लोएस्ट टेम्परेचर है, ये चीज़ देख सकते हैं आप, ST हाइएस्ट टेम्परेचर है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, LML है, पूरा है तो पुरुष अधूरा है, एक्सेट्रा एंड ऑल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है, ये देख सकते हैं। लोएस्ट टेम्परेचर हो गया, हाइएस्ट टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे छोटा लिंग कैसा है तो मूंग जैसा, देन हाइएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें लिंगानुपात में, यहाँ पे लोएस्ट स्टेट पॉपुलेशन की बात करें वेस्ट चंपारण हो गया लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे तीनों के बारे में बात कर ली गई है। ओके, देन यहाँ पे अब जब डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं तो इसका ट्रिक क्या है कि सीहोर क्या है, सीहोर स्मॉल है, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, तो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में अगर पॉपुलेशन होगा तो कैसा होगा, टाइट होगा, यानी वहाँ पे कैसी डेंसिटी होगी, ज़्यादा होगी, है ना। वहीं पे अगर कैमूर की बात करें, कैमूर यानी कैसा, कमर जैसा, अब कमर कैसा होता है, हाफ आधा टाइप, तो कैमूर में आधा होगा तो वहाँ डेंसिटी कम होगी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ कम है। उसी हिसाब से रोहतास की बात करें तो रोहतास में देखेंगे तो यहाँ पे लिटरेसी भी ज़्यादा है, मेल लिटरेसी भी ज़्यादा है, फीमेल लिटरेसी भी ज़्यादा है, सारा चीज़ यहीं ज़्यादा है। वहीं पे औरंगाबाद, औरंगा यानी कि जहाँ रंग कम हो, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो कम पानी से बेरंग ट्रिक था, तो औरंगाबाद लोएस्ट रेनफॉल। वहीं पर RP BHO जो शॉर्टकट्स हैं उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या है डिटेल्ड बता दिया है कि भाई इनका मतलब क्या है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं HT LT यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर भी होगा लोएस्ट टेम्परेचर भी होगा, गया में होगा। और भैंस जब पानी में कब जाती है, जब हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, तो गया भैंस पानी में है ना, गौ से गया हो जाएगा, भैंस पानी में जाएगी, तो उस समय हाईएस्ट टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर दोनों चाहिए, तो ये गया वाला एक ट्रिक बना सकते हैं। पॉपुलेशन देखिए भाई, पटना जो है बिहार का एक ही स्पेशल जगह है ना, जहाँ पर सभी लोग जाना चाहते हैं, तो पटना हाईएस्ट पॉपुलेशन हो गया। ओके, इस बारे में हम लोगों ने बात की। यहाँ सहरसा देखिए, अब सहरसा में महिला जो सहरसा है, अब पता है कि लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है यहाँ पे, अब रीज़न यहाँ देख सकते हैं, आपको पता है कि बिहार में महिलाओं की जो एजुकेशन की स्थिति है बहुत डवाडोल है, उस हिसाब से लोएस्ट फीमेल लिटरेसी की बात हो गई।
देन यहाँ पे मुंगेर की बात की, शेखपुरा में अब देखिए लोएस्ट पॉपुलेशन है ना। अब जाहिर सी बात है कि लोएस्ट पॉपुलेशन कैसे होगा शेखपुरा, जब शेख जी पूरे सूख चुके हैं तो जनसंख्या कैसे बढ़ाएंगे। बट फैक्ट एसाइड, सिर्फ ट्रिकों को लेकर हम लोग चल रहे हैं ना, ट्रिक पे बात करते हैं। अब हाईएस्ट सिटी लाइफ कहाँ होगा, जाहिर सी बात है पटना में ही होगा। क्यों, जब पटना ही अपना डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट कैपिटल है तो वहीं पे होगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कैसे हो सकता है, तो जितना पटाओगे उतना जनसंख्या बढ़ाओगे, जब कोई पटेगा तभी तो जनसंख्या बढ़ेगा, उस केस से आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से इस चीज़ को डिज़ाइन किया। टोटल कितने पेजेस हैं इसमें, तो 17 पेजेस हैं अपने ज्योग्राफी और सेंसस को मिला करके। इसमें आपको ज्योग्राफी जो है टोटल जो आप पढ़ते हो बिहार स्पेशल में वो कवर अप किया गया है, मिनरल है हो गया सारी चीज़ें है ना। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कलर यूज़ किया गया है, जैसे कि अगर मान लीजिए इस चीज़ की हम लोग बात करें तो बिहार में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ कहाँ कौन सी सेंचुरी है, उन सारी चीज़ों को डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप याद करेंगे, जैसे वेस्ट चंपारण तो याद रहेगा कि वाल्मीकि नेशनल पार्क उदयपुर है ना, वहीं पे पटना में क्या है एक संजय, बक्सर में तो बक्सर ही हो जाएगा, कैमूर में कैमूर। तो इस तरह जब पिक्टोग्राफी तरीके से आप देखोगे ना तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। गया में भाई गौतम बुद्धा का सबसे बड़ा मंदिर है तो गौतम बुद्धा की यहाँ पे चीज़ें हैं है ना। वैशाली में बरेला झील हो गया, सलीम अली जुबा हो गया, वहीं पे दरभंगा में आपको पता है कुशेश्वर हो गया, कांवर झील बर्ड सेंचुरी बेगूसराय बहुत पॉपुलर हुआ था, विक्रमशिला आपको याद होगा भागलपुर से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ईजिली हम लोगों ने इसको कवर अप किया है ताकि ईजी ये याद हो सके। अब चलते हैं नोट्स की तरफ। ये तो हो गए मैप के जरिए जो हम लोग पढ़ रहे थे है ना, ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पहले देखिए एक्चुअली बात की जाए तो सिर्फ इस मैप को लोग सेल आउट करते हैं लगभग 125-150 रुपये में सिर्फ मैप को। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ एडिशन भी उस समय दिया था, खैर अभी उस एडिशन की हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ बात करें सेकेंड आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर अभी तक आपने बिहार में पढ़ा होगा, बहुत अपने हिसाब से बहुत बुक्स में देखी होंगी, लेकिन इस बार जो आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ोगे, जो बिहार वाला जो आर्ट एंड कल्चर होगा, जैसे कि इस बार भी कुछ क्वेश्चंस आ गए थे कुछ प्लेसेस से, जैसे कि बहुमनी हिल्स कहाँ पे है जो गया वाला, तो इस हिसाब से सारी चीज़ों को यहाँ पे मेनली कोशिश किया गया है कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं उसको कहाँ किस में रखा जाए, तो पिक्टोरियल फॉर्म में रखा जाए ताकि चीज़ें ध्यान में रहें और पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आए। सबसे बड़ी बात ये है एक्चुअली इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मेन चीज़ों को यहाँ लाया गया है। यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल हॉर्न पिलर के बारे में लिखी गई है, और अब बात करोगे कि इसमें 82 पेज हैं भाई, इतने ज़्यादा ज़्यादा पेजेस, तो चीज़ें देखिए कंटेंट बहुत कम है। कंटेंट यानी जो चीज़ें आपको चाहिए सिर्फ उतनी दी गई हैं, और पिक्चर्स जब ऐड होता है तो जाहिर सी बात है वो बड़े होते हैं। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बुक्स में बहुत स्मॉल लेटर में लिखा होता है और हैंड रिटन चीज़ें बहुत बड़ी लिखी रहती हैं, इसीलिए इसको पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा। मौर्यन प्लेस बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य कॉल्ड मैग्निफिसेंट वन बाय मेगास्थनीस, तो कितना टाइम लगा आपको, मुश्किल से 10 सेकेंड। और ये पेज इंड इंटरेस्टिंग भी लगा, पेज इंड हो गया। इसी तरीके से बहुत, जैसे अब यहाँ पे देखिए ऐसे कहीं भी आपको बुक्स में टोटल डिटेल्स के साथ पिक्चर के साथ आपको नहीं दिया गया होगा। अब आप पूछोगे कि क्या सारी जगह ऐसे ही पिक्चर कवर अप किया गया है, हाँ मैक्सिमम जगह पिक्चर जो है वो कवर अप किया गया है। यहाँ देख सकते हैं जैसे कि लोमा ऋषि केव, कर्ण चौपर केव, जो एक ही केव्स में सब अलग अलग केव्स हैं, सुदामा केव हो गया ना, नागार्जुनी हिल के बारे में है। और जहाँ पे आपको जैसे सिर्फ एक ही जगह से इसको नहीं उठाया गया, लगभग 10-15 सोर्सेज हैं, 15 से भी ज़्यादा सोर्सेज हैं जहाँ से इन सारे नोट्स को उठाया गया है, पिक्चर्स को उठाया गया है। इवन जहाँ से अगर नोट्स डायरेक्ट, अगर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्तूपा के बारे में टोटल डिटेल बात की गई है, कुषाण आर्ट के बारे में बात की गई है, गुप्ता एजेस, और जहाँ पे नोट्स डायरेक्ट बहुत अच्छे मिल गए हैं पॉइंट वाइज फॉर्म में, उसको डायरेक्ट उस तरीके से यूज़ कर लिया गया है ताकि बेस्ट मटेरियल आपके लिए, बेस्ट कंटेंट जो है वो रेडी हो सके, ये कोशिश की गई है इसके ज़रिए, नथिंग इज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पिक्चर्स के जरिए पढ़ने में जो इंटरेस्ट होता है कि एक कलरफुल नज़रिया है ना, ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हर जगह सिर्फ हैंड रिटन नहीं मिलेगा, बेस्ट चीज़ है आपको जहाँ पे पॉइंट वाइज में जो चीज़ें ऑलरेडी बेस्ट प्लेसेस पे अवेलेबल है वहाँ से आपको ला करके इसमें कंपाइल किया गया है। यहाँ पे स्टेज हेरिटेज ऑफ बिहार की देखें तो गोलघर पटना, अगम कुआं हो गया, छोटी पटन देवी हो गई, इन सारी चीज़ों को इसमें डायरेक्ट पिक्चर फॉर्म में, ताकि आप उससे कनेक्ट हो सकें और एग्ज़ाम में डायरेक्ट जाके एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। ओके, तो ये हो गई आर्ट एंड कल्चर की बात, टोटल 82 पेजेस हैं। इसके अलावा और क्या मिलता है आपको,
तो बिहार का हिस्ट्री, जी हाँ बिहार का हिस्ट्री इसके साथ आपको मिलता है, एंशियंट मेडिएवल मॉडर्न सारी चीज़ें। टोटल पेजेस कितने हैं तो 227। आप कहोगे वाह इतना ज़्यादा पेज, तो एक्चुअली अब कंटेंट देखिए कैसे है। अब मान लीजिए मुंगेर के बारे में हमको पढ़ना है, अब अर्ली स्टोन एज में जब आप बुक में पढ़ोगे तो ये एक लाइन में लिखा मिलेगा, एक लाइन तो एक पेज यूज़ हो नहीं होगा, यहाँ पे पेजेस यूज़ किए गए हैं विथ कलर्स एंड पिक्चर्स। अब मुंगेर अर्ली स्टोन एज मुंगेर में पार्सा एक्सकेवेशन कहते हैं उसको, तो क्या मिला, तो हैंडेक्स मिला, क्लेवर्स मिले जो कि स्टोन से बने होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ईजी की गई हैं। क्या इसमें भी नोट्स यूज़ किए गए हैं जो कि मेरे डिफरेंट नोट्स हैं या फिर जो ऑनलाइन रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से मिले हैं? बिल्कुल उनको यूज़ किया गया है, जो कि बेस्ट अलग अलग वेबसाइट पे जो बेस्ट हैं सिर्फ उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यूनेस्को की हेरिटेज बुद्धिस्ट साइट, तो इनको यूज़ कर लिया गया। अब डिफरेंसेज जो हैं और इसके हैं, अगर मान लीजिए इसको हैंड रिटन में लिखा जाए तो 15 से 20 पेजेस आराम से, अगर इसको आप डिटेल्ड करोगे और बड़े बड़े करोगे तो 15 से 20 पेजेस इनकी ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो बहुत जगहों पे उसको कम करने के लिए बेस्ट वे में प्रस्तुत किया गया है आपके लिए, ताकि आप इजीली इसका बेनिफिट उठा पाएं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, कोई भी आप बुक उठाइए, कोई भी क्राउन हो या फिर एनीथिंग, कोई भी बुक उठा लीजिए, केबीसी नैनो हो या फिर किसी आईएएस ऑफिसर की बुक उठा लीजिए, ऐसे पिक्चर्स के साथ जहाँ पे आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिले, उस चीज़ों के समझने का नज़रिया मिले, कहीं नहीं मिलेगा देखने को, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात इसके अलावा क्या है कि इसका प्राइस क्या रखा गया है, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस है, जस्ट 100 रुपीज़। अब आप कहोगे कि सर पिछले कुछ स्टूडेंट्स जो बाई किए हैं, जो 877 के करीब स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बाई किया था पिछली बार, तो क्या उनके लिए कुछ ऑफ़र है? बिल्कुल ऑफ़र है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पहले बाई कर चुके हैं अपना, जो वो 17 पेजेस का ये था, अब बिहार से स्पेशल रिलेटेड था जिसमें ज्योग्राफी सेंसस हमने कवर अप किया था, ये एडिशनल मटेरियल लेने के लिए मात्र आपको 49 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आप चाहें तो पूरा 100 रुपीज़ पे कर सकते हैं एज ए डोनेशन, इसको आप कंट्रीब्यूशन समझ सकते हैं इतने बड़े कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए। पूरे चैनल पे आप देख सकते हैं कि पूर्वालोकन इजी वे में आपको पढ़ाया जा चुका है, एंड दैट्स टू फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी एक रुपए लिए। अगर आप उस पूर्वालोकन को खुद से पढ़ने जाएंगे तो एक सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने में मुश्किल से, अगर एकदम शिद्दत से भी पढ़ेंगे ना तो हिस्ट्री पढ़ने में आपको 15 से 20 दिन लग जाएगा, क्लियर है, और रिवाइज भी नहीं करेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री आपको 20 से 26 घंटे में कंप्लीट करा दी गई है। आप चाहें तो एक बार पढ़ें, फिर 2x में पढ़ें 10 घंटे में, फिर रिपीट कर सकते हैं, यानी एक दिन में रिवीजन पॉसिबल है। तो उस चीज़ का प्रॉफिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, है ना। इतने ही ज़्यादा जो कॉन्टेंट है उसको मात्र आपको 100 रुपीज़ में दिया जाएगा, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको 49 रुपीज़ में दिया जाएगा। ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है, आप डायरेक्ट इस पे करोगे, ओके, ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इसके बाद आपको करना क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रिमेंबर, इसके बाद आपको नेम एंड ईमेल आईडी विथ फ़ोन नंबर, क्योंकि आपके पीडीएफ पे आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है वो एज ए वाटरमार्क यूज़ होगा, ताकि अगर कोई मतलब इलीगल वे में कुछ करना चाहे तो उनके ऊपर ईजिली केस फाइल हो सके। आई होप कि ऐसा ना करना पड़े। आप भी समझ सकते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो काउंटरफिट चीज़ें करनी चाहते हैं, तो आई होप आप समझोगे और नहीं करोगे ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसके साथ आपको पीडीएफ जो है जैसे ही पेमेंट मिल जाएगा उसके अगले 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। और ये नेम ईमेल आईडी विद फ़ोन नंबर आपको कहाँ भेजना है, इस पेमेंट के रिसिप्ट के साथ क्या करना है, तो इसको भेजने के लिए ईजिली आप जाओगे इस ईमेल आईडी पे या फिर इस टेलीग्राम आईडी पे unwiredhelp@unwiredhelp, इस पे आप मैसेज कर दोगे या फिर मेल कर दोगे इस पेमेंट रिसिप्ट के साथ, वहाँ नाम ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर लिखोगे। अगले 24 घंटे में आपको आपके ईमेल आईडी पे गूगल ड्राइव का लिंक आ जाएगा, वहाँ से ईजिली आप वहाँ पढ़ सकते हो या फिर आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो। हाँ, आप उसको शेयर नहीं कर सकते हो, अगर शेयर करते हुए जैसे कि कहीं पे आपका जो पीडीएफ है पाया गया तो आप पे जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, बिकॉज ऑलरेडी आपके मेल आईडीज एंड फ़ोन नंबर उस पे अवेलेबल होंगे। सो इतना श्योर रखिए कि आप खुद यूज़ कीजिए, पर्सनल यूज़ कीजिए,
बाहर कहीं शेयर मत कीजिए, बिकॉज बहुत मेहनत लगता है, काफ़ी दिन लगते हैं एक चीज़ों को बनाकर कंपाइल करके आपके पास लाने में। आई होप आपके लिए चीज़ें आसान होगी समझने में। पेमेंट ईजी है, इन पे आप चाहें तो किसी भी आईडी से, किसी भी एप्लीकेशन से आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर इन दोनों यूपीआई आईडी को यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इसको आप यूज़ करके स्कैन कर सकते हैं, इवन आप चाहें तो इसको भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाएंगे तो यहाँ पे अनवायर्ड एकेडमी आप सर्च जब करोगे सर्च बॉक्स में तो आपको चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे भी पिंड मैसेज में आपको जो बुक है उसके लिंक और डिटेलिंग की कैसे क्या करना है, और इवन उसमें जो पेमेंट आईडीज है वो भी मेंशन रहेगी, वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पे भी आपको डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो पेमेंट आईडी है ओके, और जो बुक की लिंक है ये भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इवन उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, क्या करना है, वो भी चीज़ लिखी होगी, पिंड कमेंट में इसको मेंशन किया गया होगा, या फिर किसी भी वीडियो के आप जब कमेंट डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूपीआई आईडी मिलेगी, वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आई होप सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा हो और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट उठा पाएँ। सैम्पल पेजेस भी आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा, इवन टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हाँ, सैम्पल पेजेस को आप शेयर कर सकते हैं विथ फ्रेंड्स, फैमिली और एनीवन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एन्जॉय विद द बेस्ट कॉन्टेंट फॉर यू।